बिना मेहनत मिनटों में व्रत की दो नई सी रेसिपी बनाएंगे जिसे देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका इंडियन फूड सतोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सवा राइस यानी कि समा का चावल लिया हुआ है जो व्रत में खाते हैं। आधा कप चावल को बोल में डालकर पानी डालकर अच्छी तरह से धुल लेंगे और पानी छान कर थोड़ा सा पानी डालकर फूलने के लिए किनारे रख देंगे। यहाँ पर हमने दो सेव लिया है, सेव पर का छिलका हटा देंगे। कम समय में और काफ़ी शानदार सी रेसिपी बनकर के तैयार होती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि मैंने वो काफ़ी पसंद आएगा। अब एक कटोरा लेंगे और इसमें हम कुछ कटे हुए मेवे को डाल देंगे। पानी डालकर थोड़ा सा इसे हम धुल लेंगे और धुलने के बाद पानी डालकर भिंगो कर इसे हम किनारे रख देंगे। मेवे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा या फिर जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे और सेव को इस तरीके से पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे। मोटे टुकड़ों में नहीं काटना है, पतले टुकड़ों में काटना है और बीच में जो मोटा वाला डंठल होता है जिसमें बीज वगैरह रेसे होते हैं उसे हम पूरी तरह से हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने दो सेव को काट लिया। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार चीनी, यानी कि जितना मीठा हलवा खाना पसंद करते हैं उतना चीनी डाल सकते हैं। तो सेव थोड़ा सा मीठा था तो हमने कम चीनी डाला और चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाकर किनारे रख देंगे। मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम चावल को डाल देंगे। तो अगर व्रत में आप समा का चावल नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर कुट्टू का आटा या फिर सिंघाड़े का आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक चौथाई कप साबुदाने को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था, अच्छी तरह से फूल चुका, इसे भी डाल देते हैं। और डालने के बाद इसमें हम ऊपर से पानी नहीं डालेंगे क्योंकि चावल में थोड़ा सा पानी था तो इसे हम बारीक पीस लेंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो ये बारीक नहीं पीस पाएगा, मोटा मोटा टुकड़ा रह जाएगा। अब एक बोल में हम बैटर को निकाल देंगे। निकालने के बाद मिक्सी जार को धुल करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बाद में हमें जैसा बैटर बनाना होगा, थोड़ा सा पतला करना होगा तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सेंधा नमक डालने के बाद अच्छी तरह से घोल लेंगे और घोलने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फूलने के लिए किनारे रख देते हैं। यहाँ पर हमने 4 से 5 आलू को मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो ये उबले हुए आलू है, आलू ठंडा होगा तो उसको हमने हाथ से ही मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। और यहाँ पर हमने मिक्सी जार में हरा धनिया, अदरक और मिर्च को मोटा सा क्रश कर लिया था, इसे डाल देंगे। थोड़ा सा स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे और आलू में अच्छी तरह से मसालों को मिलाकर किनारे रख देंगे। अब हम गैस चलाकर प्रेशर कुकर को रख देते हैं गर्म होने के लिए। आंच धीमी रखेंगे और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने के बाद सेव को थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसमें ऊपर से हमें पानी नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये चीनी गलने लगा है तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना, सेव को चीनी के साथ इस तरीके से भून लेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा सौंधापन आ जाए। और इसमें हमने जो भिंगो करके मेवे रखा हुआ था उसे डाल देंगे। साथ में 2 हरी इलायची को कूट करके डालेंगे और सभी चीज़ों को हम थोड़ी देर तक भून लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से गल जाए और सेव भी हल्का सा नरम हो जाए। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम 1 सीटी आने तक तेज फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम गैस चलाकर कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ा सा करी पत्ता और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही तेल या घी में करी पत्ता हम डालते हैं तो उछाल मारने लगता है, लेकिन इस तरीके से भून कर डालेंगे ना तो ये उछाल नहीं मारेगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी और देसी घी डालने के बाद तड़के को हल्का सा भून लेंगे। 1 टमाटर को बारीक काट करके डालेंगे। तो अगर व्रत में आप टमाटर नहीं खाते तो इसे ना डालिएगा। अब इसमें हम आलू को डाल देते हैं। कम समय में काफ़ी चटपटी सी रेसिपी बनकर के तैयार होती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि मैंने आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से ना हम आलू को हल्का हल्का भूनते भी जाएंगे और इसे मैश भी करते जाएंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट की तरह नहीं बनाना है, मोटा मोटे टुकड़ों में रखेंगे, भूनते जाएंगे और मैश करते जाएंगे। 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे और इसे हम तब तक भूनेंगे ना जब तक कि पूरी तरह से सूखा नहीं हो जाता। इस तरीके से ये देखिए पूरी तरह से सूख गया है, टमाटर में हल्की नमी थी वो भी खत्म हो गया है। अब हम गैस चलाकर तवा गर्म करेंगे। इससे पहले हम साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, जैसे गर्म हो जाएगा पानी का छींटा मारेंगे और उसे सूखने देंगे। इसके बाद कलछी की सहायता से बैटर को हम चारों तरफ फैला देंगे। तो अगर बैटर रखने के बाद आपको लग रहा है कि बहुत गाढ़ा हो गया है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से पतला कर लीजिए, क्योंकि इसमें पतला ही इस तरीके से फैलाना है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से बड़ा भी रख सकते हैं। तो हमने थोड़े से बड़े में इसे फैलाया हुआ है।
अब किनारे से हम थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं। तो व्रत में अगर आप मूंगफली का तेल खाते हैं वो भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से भी देसी घी डाल देंगे और किनारे से इस तरीके से इसके बॉर्डर को छुटा करके देख लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा कड़क हो गया है किनारे से, पहले इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, नीचे से सिक गया है। अब हम क्या करेंगे, जो आलू का चोखा बना कर रखे थे भूनकर, इस तरीके से आधे में हम आलू के चोखे को इस तरीके से फैला देंगे। तो थोड़ा सा हम स्टफिंग ज़्यादा रखेंगे, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, अगर कम रखेंगे तो उतना स्वाद नहीं आता है। तो हमने आधे डोसे पर आलू को फैला दिया और आधे को इस तरीके से मोड़ लेंगे। ये हमारा व्रत में खाने वाला आलू का डोसा बन करके तैयार हो गया है। काफ़ी कुरकुरा सा बन करके तैयार होता है और काफ़ी स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसके साथ आपको कोई चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे आप इसी तरीके से गर्मा गर्म खाइएगा। तो आप चाहें ना तो इस तरीके से काट करके पीस पीस में भी खा सकते हैं या फिर छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। और यकीन मानिए व्रत में जो लोग चावल नहीं खाते ना, वो सिंघाड़े के आटे से भी इस तरीके का डोसा बना करके तैयार करके खा सकते हैं। तो चाहे आप इस तरीके से छोटे पीस में खाइए या फिर बड़े पीस में खाइए, चाहे तो आप नारियल की चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं, लेकिन इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सिंपल सा ऐसे ही बनाइए, काफ़ी चटपटा सा लगता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मूंगफली भूनकर भी डाल सकते हैं। कुकर ठंडा हो गया, ढक्कन खोल करके हटा देते हैं, गैस ऑन कर लेंगे और सेव को अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा चीनी का जो चाशनी है वो रह गया, इसे हम थोड़ा सा भून करके सूखा कर लेंगे इस तरीके से। और ये सेव का हलवा बन करके तैयार हो गया है। आप इसे 6 से 7 दिन तक रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि ऊपर से पानी नहीं डालना है। अगर आप इस हलवे में दूध डालकर खाना चाहते हैं तो जब ये हलवा पूरी तरह से ठंडा हो जाए ना, थोड़ा सा आप दूध डाल करके ऊपर से खा सकते हैं। नहीं तो गर्म सेव के हलवे में आप दूध डालेंगे तो तुरंत ये फट जाएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।